चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is construction of triangles. Before I start with the topic, you should be clear with the term construction. Construct मतलब बनाना। कहते नहीं है हमारे घर के पास construction work चल रहा है या building का construction work चल रहा है। Construction मतलब वो बनाई जा रही है। यहाँ हमें क्या करना है? Construction of ट्राइंगल्स। ट्राई मतलब थ्री एंगल्स, फिगर क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स मेकिंग थ्री एंगल्स। हमें ट्राइंगल्स को बनाना है। कैसे बनाना है इसके मैं आपको चार केसेस बताऊंगी। पहला केस जब आपको तीनों साइड पता हो, आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका कॉम्पस होता है, आपका स्केल होता है, उसको यूज करके आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला केस क्या है? जब तीनों साइड पता हो तब मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। जब एक साइड और दो एंगल्स पता हो तब कैसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल पता हो तब कैसे करेंगे। और फोर्थ केस है जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना हो और एक साइड और हाइपोटेन्यूज पता हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस क्या है? वेन थ्री साइड्स आर गिवन। जब ट्राइंगल की थ्री साइड्स गिवन हो, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR वेयर PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड RP इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले आपको जो भी पैरामीटर्स दिए हैं उसके एक रफ फिगर आप जरूर बनाएंगे। रफ फिगर एक बनाएंगे। देखिए क्या दिया गया है आपको, कभी गलती नहीं होगी। PQR ट्राइंगल है, PQR कैसे भी नेमिंग कर दो, यहाँ P लिख दो, यहाँ Q, यहाँ R, ठीक है। Then PQ is equals to 3 सेंटीमीटर। PQ क्या है? 3 सेंटीमीटर। QR क्या है? 5 सेंटीमीटर। RP क्या है? 4.5 सेंटीमीटर। देखिए आपने रफ में सब बना लिया, आपको आइडिया लग चुका है कि क्यों रफ फिगर बनाई। हमारा जो ट्राइंगल है वो ऐसा दिखेगा। सबसे पहले देखिए हम बेस ड्रॉ करेंगे। बेस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। बना लो 5 सेंटीमीटर। स्केल प्रॉपरली स्केल यूज करना है आपको। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए 5 सेंटीमीटर की। देखिए यहां लिखते जाएंगे क्यू आर है 5 सेंटीमीटर। जो जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके स्टेप्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, स्टेप वन ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप टू कैसे लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट क्यू। अब क्या करेंगे, क्यू पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। देखिए स्केल में 3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। कैसे? 0 पे ये नीडल रखी कंपास की और 3 तक हमने मेजर कर लिया। देखिए 0 पे नीडल रख के 3 तक हम मेजर कर लेंगे। ये देखिए 3 तक मेजर कर लिया है कंपास को एडजस्ट करके। दिस इज आर 3। क्यू पे पुट करिए कंपास को और एक 3 सेंटीमीटर का हमने आर्क कट कर दिया, ठीक है। अब
आर से क्या है 4.5 मेजर करिए, देखिए जीरो पे नीडल रखिए, 4.5 मेजर करिए, देखिए ये 4.5 आ गई जीरो पे नीडल रख के, ठीक है। आर से 4.5 का आर कट कर लिया, कर लिया। अब ये जो पॉइंट आया है इंटरसेक्शन का, दिस इज पी पॉइंट, इस पॉइंट को क्यू से ज्वाइन करेंगे। तो ये पी क्यू क्या है, देखिए 3 सेंटीमीटर का आर था, 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये देखिए पी आर क्या है, 4.5 था, 4.5 ही है। देखिए हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है यहां 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप्स भी लिखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम स्टेप टू में क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट क्यू कट एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। स्टेप थ्री में क्या किया था, आर से 4.5, फ्रॉम पॉइंट आर कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप फाइव, स्टेप फोर, आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, स्टेप फोर हो गया, ठीक है। नाउ ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू ज्वाइन किया, देन स्टेप सिक्स ज्वाइन पी आर, स्टेप सेवन वी गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो स्टेप्स भी लिखोगे साथ साथ। आई होप ये फर्स्ट केस क्लियर है। नाउ आई मूव टू केस टू। नाउ केस टू इज व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर QR is equals to 5 centimeter, QP is equals to 4.5 centimeter and angle Q is equals to 60 degree. सबसे पहला काम रफ फिगर PQR ट्राइंगल बनाएंगे। हमें बेस चाहिए होगा हर ट्राइंगल में बनाने के लिए। बेस नहीं होगा कैसे लाइन खींचोगे, कैसे आगे बनाओगे, हवा में बनाओगे? QR हमारा बेस है, तो ये पॉइंट हमारा पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया। क्यू आर हम बेस लेंगे 5 सेंटीमीटर, क्यू पी क्या है 4.5। देखो दो साइड गिवन है, उनका इंक्लूडेड एंगल मतलब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री। बस बना दो, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले बेस ड्रॉ करना होता है, कैसे, आपने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई जो कि हमारा बेस है, क्या है, क्यू आर। स्टेप साथ साथ लिखो, आपकी बार साथ साथ लिखो। स्टेप वन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर एज क्यू आर। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल फ्रॉम क्यू। 60 डिग्री का एंगल बनाना आता है, आता होगा, एंगल्स में सीखा है, नहीं आता है, मेरा एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वॉच कर लेना। उसमें मैंने सारे एंगल्स बताए, 30, 60, 75, 90, 120, 135, 145, 150, 180, सब एंगल्स का कंस्ट्रक्शन है। 60 में क्या करते हैं हम, कंपस में थोड़ी सी डायमेंशन मेजर कर लेंगे, ठीक है। इतना हमने कंपस को खोल लिया, इस पॉइंट से एक हम आर्क लगाएंगे, ये आर्क कट किया, इसको अभी हिलाना नहीं है,
जितनी इसमें मेजरमेंट थी उसी मेजरमेंट का यहाँ से ये जो पॉइंट कट हुआ है यहाँ से आर्क कट कर देंगे। दिस विल बी आवर 60। ये जो आर्क कट हुआ है इसको आप क्यू पॉइंट से, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। एक ये रिक्वायरमेंट फिल हो गई, एक ये फिल हो गई। अब क्या करेंगे, हमें पी क्यू चाहिए 4.5 इसमें मेजर करो स्केल में। देखो 4.5 ये हमने नीडल को जीरो पे रख के 4.5 तक मेजर कर लिया, देखिए ठीक है। अब क्यू पे नीडल रखो और एक आर्क कट कर दो। ये जो पॉइंट आया हमारा ये था पी पॉइंट। अब पी आर को ज्वाइन कर दो, वी गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये क्या था हमारा 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप लिखो भाई, स्टेप लिखो। 60 बन चुका था, फिर स्टेप 3 में क्या किया, कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू टू पी। फिर स्टेप 4 में क्या किया था, ज्वाइन पी आर। स्टेप 5 वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। देखो कितना आसान है, जो करते जा रहे हो बस उसको लिखते जाओ, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ आई कम टू केस 3। नाउ सी दिस इज केस 3 व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। दो एंगल उनके बीच की साइड दे रखी है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR where angle Q is equals to 60 degree, angle R is equals to 30 degree and QR is equals to 6 centimeter. आपको Q दे रखा है, R दे रखा है angle और QR दे रखा है 60। आपको बेस जरूर चाहिए तभी तो एंगल्स ड्रॉ कर पाओगे। तो हमारा क्यू आर क्या रहेगा, बेस। रफ फिगर बनाना जरूर, बार बार मैं कह रही हूं, हवा में बनाओगे सब गलत होगा। क्यू आर क्या है, 6 सेंटीमीटर। एंगल क्यू दे रखा है 60, एंगल आर दे रखा है 30। चलिए बनाते हैं पहला स्टेप। तो सबसे पहले बेस बनाएंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एज क्यू आर। बनाओ 6 सेंटीमीटर का हमने क्यू आर बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर का क्यू आर बना लिया। नाउ क्यू पे क्या है 60 के लिए क्या करते हैं, कंपस में एक मेजरमेंट ली, उससे यहां पर क्यू पे नीडल रख के एक आर्क कट किया, उसी सेम मेजरमेंट से ये जो कट पॉइंट आया था इससे एक आर्क कट कर दिया। इसको ज्वाइन करेंगे जब इंटरसेक्शन को क्यू से, ये हमें मिल गया 60 डिग्री। अब आर में क्या बनाना है, पहले इसका स्टेप लिख लो। क्या किया हमने स्टेप 2 में, कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री विद कंपस फ्रॉम पॉइंट क्यू। ज्यादा होशियारी नहीं करना, प्रोटेक्टर से 60 डिग्री नहीं बनाना, उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कि एंगल भी बनाना है। प्रोटेक्टर से क्या रखा, बनाया, खत्म। दो स्टेप में कंपस से कंस्ट्रक्ट करना है एंगल्स भी। नाउ आर पे क्या है 30 कैसे बनाएंगे, 60 का हाफ कर दो। देखो 30 कैसे बनाएंगे, मेजरमेंट लिया आर्क कट करने के लिए, आर से आर्क कट किया, उसी सेम मेजरमेंट से एक और आर्क कट किया। ये क्या है 60 बना अभी हमारा, अब हमें 30 चाहिए, 60 का आधा करना है। क्या करेंगे, यहां से एक आर्क कट करेंगे, फिर उसी मेजरमेंट से यहां से भी एक आर्क कट करेंगे। देखिए जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये जो ये पॉइंट है वो पॉइंट से आर को ज्वाइन कर दो। देखिए ये बन गया हमारा 30, 60 का हाफ क्या हो गया 30,
और ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पी, और हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ स्टेप थ्री में क्या किया, कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री विद कंपास फ्रॉम पॉइंट आर, देन स्टेप फोर फ्रॉम आर एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज पी। सो स्टेप फाइव वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल, वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए कितना आसान है, जो करते जा रहे हो लिखते जाओ, मार्क्स मिलते जाएंगे। नाउ आई कम टू केस फोर। नाउ द लास्ट केस इज राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर गिवन। अब आप कहेंगे मैम अभी तक तो तीन चीजें पता थी, या तो तीनों साइड, या फिर दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड। यहाँ तो बस एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज दे रखी है। अरे भाई एक और बात बताई है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल भी तो पता है, एक एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। देखिए क्या है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, वेयर पी आर इज इक्वल टू एन एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, या फिर यहाँ लिखा होगा कंस्ट्रक्ट है राइट एंगल ट्राइंगल वेयर पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 4.5। तो ये आपका अंडरस्टूड है कि क्यू हमारा 90 होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने एक बात आपको बताई थी कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये हम एक रफ फिगर बनाते हैं। क्या बनाना है हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल है, इसके सामने लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या दे रखा है, देखो पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 4.5 सेंटीमीटर। देखिए अब आप ड्रॉ कर लीजिए, कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला स्टेप ड्रॉ क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर का क्यू आर ड्रॉ कर लिया, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप लिखो, स्टेप वन क्या है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप वन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फिर स्टेप टू क्या करेंगे, क्यू पे क्या है 90 डिग्री, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एट पॉइंट क्यू विथ कंपास, कंपास से 90 डिग्री। अब 90 कैसे बनेगा, 60 आता है, 60 में 60 और 120, 60 और 120 के बीच में क्या आएगा 90। देखो 60 कैसे बनाते हैं, एक मेजर ले ली, उस मेजर का आर कट किया, सेम मेजर का आर यहां से कट किया, ये हमें मिल गया 60। अब फिर से 60 चाहिए तो यहां से फिर से आर कट कर लिया, ये हमें मिल गया 120। मैंने क्या बताया, इन दोनों के बीच में 90, एक आर्क यहां से लगाओ, देखो ये एक आर्क 120 से लगाओ, ये इसको ज्वाइन कर दो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें मिल गया 90 डिग्री, मिल गया 90। देखिए 90 डिग्री मिल चुका है। अब पी आर हमें चाहिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जरा इसमें मेजर करो फटाक से, 0 से 7, देखिए ये हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। नाउ आर से हम एक आर्क कट कर देंगे 7 सेंटीमीटर का, देखो ये आ गया हमारा पॉइंट पी और ये हमने आर पी आर ज्वाइन कर दिया, ये आई 7 सेंटीमीटर।
देखिए, स्टेप तो लिखे नहीं, क्या करा, 90 डिग्री बना लिया था, यहां तक हम पहुंच गए थे। फिर स्टेप थ्री क्या किया, फ्रॉम पॉइंट आर कट एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर एट 90 डिग्री बाइसेक्टर। नाउ स्टेप फोर, जॉइन पी आर। स्टेप फाइव, वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप लोगों को चारों केसेस समझ में आ गए? सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू 4 केसेस और उनके क्वेश्चंस भी बताए। अब आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन फ्री के मार्क्स होते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।